मुझे नहीं पता था कि प्रिंस सर मेरे साथ ऐसा करने लगेंगे, और मेरी जगह पता नहीं आप सब खड़े कभी हो पाओगे, मतलब मेरे फीलिंग को फील कर पाओगे कि नहीं। बट जब आप तभी फील कर सकते हो ना जब आप मेरी सिचुएशन पे आके खड़े होगे। तो अभी तो आप सपोर्ट कर रहे हो, बट कभी ऐसा हुआ कि वही इंसान आपके बारे में बोलने लगे तब मैं आपसे पूछूंगा आके। देखिए, ऋषभ ने तगड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है लड़कियों में, प्लस उन लोगों में जो बहुत शांत रहते हैं, काम रहते हैं, लेकिन अपने काम में सबका जवाब देते हैं। लेकिन भाई, उन पर काफी सारे अटैक हुए प्रिंस के थ्रू, और मैं आपको एक पूरा का पूरा लाइव सेशन दिखा रहा हूँ ऋषभ का, जहां पर उन्होंने पर्सनली टारगेट करा है अपने प्रिंस नरुला को और पूरी प्रिंस की गैंग को, कि कैसे उन सब ने मिलकर ऋषभ को कॉर्नर किया है। अब सुनो ऋषभ की बात, देन तुम्हें पता चलेगा क्या सही क्या गलत। बट मैं फिर से ये कहूँगा कि प्रिंस सर की जो भी बात होती है मुझे यहाँ पे अफेक्ट करती है, मुझे बाकी उनके जो ये सब है उनके गैंग के, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या बोलते हैं। सच बता रहा हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, बट फर्क पड़ता है जब प्रिंस सर कुछ भी बोलते हैं, क्योंकि वो गैंग लीडर है। एंड आई डोंट वॉन्ट कि गैंग लीडर हमारे कंटेस्टेंट्स के लड़ाई में पड़े। क्या इतनी छोटी सी बात जानना गलत है? प्रिंस सर है अच्छे, मैं मानता हूँ प्रिंस सर है हीरो, उनका उनको देख के मैं रोडीज में आया था, बट मुझे नहीं पता था कि प्रिंस सर मेरे साथ ऐसा करने लगेंगे, और मेरी जगह पता नहीं आप सब खड़े कभी हो पाओगे, मतलब मेरे फीलिंग को फील कर पाओगे कि नहीं। बट जब आप तभी फील कर सकते हो ना जब आप मेरी सिचुएशन पे आके खड़े होगे। तो अभी तो आप सपोर्ट कर रहे हो, बट कभी ऐसा हुआ कि वही इंसान आपके बारे में बोलने लगे तब मैं आपसे पूछूंगा आके। खैर, तो बस इतनी सी बात है, बाकी आप सब समझदार हो, आगे शो देखो। और मैं पॉइंट ऑफ व्यू अपना हमेशा रखूंगा, चाहे 100 लोग मेरे अगेंस्ट हो, 1000 लोग मेरे अगेंस्ट हो, 1 लाख लोग मेरे अगेंस्ट हो, चाहे 1 करोड़ लोग मेरे अगेंस्ट हो, जो सच है वो सच है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, और वो मैं हमेशा रखूंगा विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी डबल थॉट, बिना किसी से डरे। आई एम वे टू स्ट्रॉन्ग गाइस, आपको जितने हेट कॉमेंट्स करने हैं कर लो। और बाकी जो लोग ये कह रहे हैं कि मैं इसके लिए कर रहा हूँ, फुटेज के लिए कर रहा हूँ, व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, तो भाई ऐसे व्यूज़ नहीं आते हैं कि प्रिंस सर पर मैं यूट्यूब वीडियो बना के डाल दूंगा तो उस पर व्यूज़ आ जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। वो डालने का तरीका होता है, पहले भी जब हम कोई चीज़ डालते हैं तो उसी तरह से टाइटल डाला जाता है, वो एक डालने का तरीका है मेरे भाई, ठीक है। वो ही है मेरे लाइफ से रिलेटेड, मैं सब कुछ डालता हूँ, बीइंग अ कंटेंट क्रिएटर मैं कुछ भी करता हूँ, मैं डालता हूँ, मैं कहीं जाता हूँ मैं तो व्लॉग डालता हूँ, तो अगर मेरी कुछ ऐसी चीज़ हुई है मेरी लाइफ में मैं उसको डालूंगा ही ना, दैट्स द फैक्ट। आप इसको ले नहीं पा रहे हो, आपको लगता है कि मैं व्यूज़ ले लूँगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो प्लीज़ गाइस, और जहाँ तक इतनी बात रही ना, तो प्रिंस सर के कहने पर हम भी गए थे उनके गाने पर कॉन्टेंट बनाने, कॉन्टेंट क्रिएशन मेरा पेशा है, आई गेट पेड फॉर इट, ठीक है, बात इतनी है। तो आई गेट पेड फॉर क्रिएटिंग कॉन्टेंट विद ब्रांड्स एंड विद पीपल, बट प्रिंस सर ने बोला हम कल कॉन्टेंट बनाएंगे, आप सभी आओ। बहुत इज्जत के साथ, बहुत ही प्यार से गए, कॉन्टेंट बनाया यार, और डाला भी अपने पेज पे, ऐसा कुछ नहीं है यार, सब प्यार करते हैं एक दूसरे से, बट जब कोई ऐसा काम करता है तो अच्छा नहीं लगता है, बुरा लगता है, हर्ट होता है, बट वही चीज़ है। बट अब मैं क्या बोलूँ, अब मैं क्या बोलूँ, मैं अभी तो स्पीचलेस हो गया, मैंने इतनी बातें बोल दी हैं, बट वही है यार, जो सच है वो सच रहेगा, सिंपल। बाकी बस आप सब कुछ समझदार हो, 19 साल से शो बन रहा है, इतनी ये सारी चीज़ें होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, बट जो गलत है वो गलत ही रहेगा। बाकी रही बात जलने की, तो मैं क्यों जलूँ किसी से यार, कंटेस्टेंट तो जलने की बात ही नहीं है, और प्रिंस सर, रिया मैम और गौतम सर बहुत ही अलग ओहदे पे बैठे हुए हैं, आई रियली रिस्पेक्ट देम, तो उसकी कोई बात ही नहीं है। बाकी आप सबकी मर्ज़ी, यू गाइस आर यू नो स्मार्ट एनफ टू जज। तो यार, इस वीडियो से आपको समझ तो आ गया होगा कि ऋषभ कितना सही और कितना गलत। बाकी फिर भी कोई डाउट है तो भाई साहब मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, हम बता देंगे।